सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें अपन पिछले वीडियो से पहले अपन ने लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके कुछ गुणों को अपन ने पिछले वीडियो में देखा है। इसके पार्ट थ्री में आज अपन इसके दो इम्पोर्टेंट गुणों को डिटेल में समझेंगे। एक तो है इसकी परमाण्विक व आयनिक त्रिज्या और दूसरी है आयनन ऊर्जा, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या। अब देखिए, चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, इसकी त्रिज्या से क्या मतलब है कि परमाणु और आयन में नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जो सबसे दूर स्थित इलेक्ट्रॉन है, उनके मध्य दूरी को अपन क्या कह रहे हैं, परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, अगर अपन डी खंड के तत्वों की बात करें तो डी खंड के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, N-1d, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूं तो वो है N-1d 1-10 NS 1-2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं पेनल्टीमेट शेल में, उपांत्य कोश में। जैसे मैं 3d श्रेणी के तत्वों के लिए बनाऊं, 3d सीरीज के लिए अगर आपके सामने अगर इस तरह का कोई चित्र बनाऊं, ये नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश, ठीक है। सामान्यतः अपन क्या देखते हैं कि 3d श्रेणी में 4s में दो इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। ये क्या है, 4 है, ये 3, ये 2, ये 1, पहला कोश, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे में है 4s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d श्रेणी में दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे स्कैंडियम से अपन जिंक की तरफ जाते हैं तो N-1, मतलब N तो हो गया 4 और N-1 हो गया 3, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहे हैं, उपांत्य कोश में, जो सबसे बाह्यतम कोश है उससे एक अंदर वाले कोश में। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो उपांत्य कोश में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए दो चीजें हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के थोड़ा निकट आ जाएगा तो त्रिज्या का मान घट जाएगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ा तो परमाण्विक त्रिज्या घटती है, ठीक है। तो एक फैक्टर जो है नाभिकीय आवेश वाला, वो अगर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होगी, सिकुड़ता चला जाएगा परमाणु। दूसरा फैक्टर देखिए इसमें क्या है, जब इस तीसरे कोश में, मतलब N-1d कोश में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये अंदर के कोश वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं तो बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल घट जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। इसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बोल दो,
या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो या परिरक्षण प्रभाव बोल दो या आवरण प्रभाव बोल दो, एक ही बात है। क्या है ये कि अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, इससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। ये जब बढ़ता है, मतलब इस अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बढ़ता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जब घट जाएगा तो त्रिज्या है वो बढ़ती है। तो अपन सीधे सीधे शब्दों में कहें कि ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट देयर इज सम इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से परमाणुक त्रिज्या है उसके मान में वृद्धि होती है। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक की आकर्षण बल बढ़ता है, ये परमाणुक त्रिज्या को कम करने की कोशिश करता है। उपांत्य कोश में पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है और त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों के प्रभाव हैं वो एक दूसरे से विपरीत हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। अब बात इस चीज़ पर अटक जाती है कि ज़्यादा प्रभाव किसका है, नाभिकीय आवेश का है या परिरक्षण प्रभाव का है। जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका असर परमाणुक त्रिज्या पर दिखाई देता है। तो ये दो प्रभाव हैं जो परमाणुक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, ध्यान से इनको समझिएगा। अब बात करें अपन, देखिए 3D श्रेणी की, 3D सीरीज की। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक होती है। यहाँ पर मैं 3D सीरीज बना दूँ तो देखिए क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, FeCO, NiCu, जिंक 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक है वो 30 है। जैसे जैसे देखिए अपन बाएं से दाएं जाते हैं, या फिर अपन यो तुलना करें पूरी आवर्त सारणी में, ये डी खंड की पहली सीरीज है 3D सीरीज। पूरा जो डी खंड है वो कहाँ पाया जाता है? एस खंड और पी खंड के मध्य। और अपन आवर्त सारणी की अगर सामान्य बात करें, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, ये अपन देखते हैं जनरली। तो जो डी खंड के तत्व हैं वो एस खंड के तत्वों से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि डी खंड है वो दाईं तरफ है, तो डी खंड के तत्व एस खंड से छोटे हैं, और डी खंड के तत्व हैं वो पी खंड के तत्वों से बड़े होते हैं। इनकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है किसकी? डी खंड के तत्वों की। तो ये तो अपन ने एक सामान्य से तुलना कर ली एस खंड और पी खंड के साथ। इन्हीं तत्वों की अगर अपन बात करें 3D श्रेणी, तो देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम और क्रोमियम, क्रोमियम तक जाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो परमाणविक त्रिज्या घटती है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणविक त्रिज्या घटती है, ठीक है। फिर क्रोमियम से लेके आप गए निकल तक, क्रोमियम से निकल तक परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। और फिर निकल से गए आप जिंक तक, कॉपर और जिंक तक, तो क्या होगा?
परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो क्या हुआ, 3D श्रेणी में जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है, इसके मध्य भाग में परमाणविक त्रिज्या स्थिर हो जाती है और श्रेणी के अंत में जाके ये वापस परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो पहले घटी, फिर स्थिर हुई, फिर वापस बढ़ गई। तो अपन शुरू और शुरू सीरीज के शुरू में और अंत में अगर तुलना करें तो अपन कहेंगे कि इस श्रेणी में परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रही, क्योंकि शुरू में कमी होकर वापस बढ़ गई ना लास्ट में। तो पूरी श्रेणी की अगर अपन बात करें तो श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान लगभग स्थिर रहता है। इसे अगर अपन आरेख के द्वारा देखें तो इसका देखिए आरेख बना रहा हूं मैं। इधर है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और इधर है एटॉमिक रेडियस, परमाणु या परमाणुक त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, शुरू में त्रिज्या घटी, स्कैंडियम, मैं यहां तत्व लिख रहा हूं, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम 24 तक परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आई, फिर ये त्रिज्या लगभग रहती है स्थिर। मैं यो बना दूं, देखिए इसको लगभग स्थिर रहती है, ज़्यादा कमी नहीं आई। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, मध्य भाग में स्थिर है। और फिर आगे अगर अपन जाते हैं तो देखिए ये कॉपर और ये जिंक, परमाणुक त्रिज्या है वो वापस बढ़ती है। ऐसा अपन प्रयोग के द्वारा देखते हैं तो अपन ये प्राप्त करते हैं। क्लियर है चीज। अब इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए वापस अपन यहाँ पे जो तीन भाग अपन ने कर रखे हैं इनको अपन समझने की कोशिश करें। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक परमाणुक त्रिज्या घटती है, क्यों? क्योंकि इस भाग में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो देखिए 21, 22, 23, 24 नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश का मान है वो परिरक्षण प्रभाव से इस भाग में ज्यादा है। तो इस भाग में क्या है, नाभिकीय आवेश का प्रभाव किससे ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है। और अपन जानते हैं नाभिक आवेश क्या करता है, त्रिज्या को घटाता है, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, त्रिज्या को बढ़ाता है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक नाभिक आवेश का प्रभाव परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है, इसका मतलब त्रिज्या घटी। फिर क्रोमियम से लेकर निकिल तक परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है, क्यों? क्योंकि इस भाग में नाभिकीय आवेश का प्रभाव बराबर परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन भी बढ़, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो पेनल्टीमेट शेल में उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बाहर से एक अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो परिरक्षण प्रभाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य भाग में यह नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है, इसलिए परमाणुक त्रिज्या नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के द्वारा यह संतुलित हो गई। परमाणुक त्रिज्या घटती नहीं है, सॉरी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के द्वारा ये संतुलित हो गई। अब इसका अंतिम भाग देखिएगा, नाभिकीय आवेश का प्रभाव इज लेस देन श
शील्डिंग इफेक्ट। निकिल से कॉपर गए और कॉपर से जिंक में गए तो नाभिकीय आवेश का मान है या उसका प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव से कम हो जाता है, और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ गया और ये क्या करता है त्रिज्या को बढ़ाता है, इसलिए वापिस त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिए बाएं से दाएं गए तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ये सही बात है, लेकिन शुरू में परिरक्षण प्रभाव का मान कम है, धीरे धीरे उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, मध्य भाग में ये नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है और दाईं तरफ जाके परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है, इसलिए त्रिज्या वापिस बढ़ती है। तो ये आरेख इस तरह से क्यों प्राप्त हुआ, इसका ये कारण है, अपन तीन भागों में इसको अपन विभाजित करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एटॉमिक रेडियाई या परमाणुक त्रिज्या है वो इन तत्वों में देखी जाती है, ठीक है। अब देखिए अपन आयनिक रेडियाई या आयनों की त्रिज्या, अपन जानते हैं कि डी खंड में सभी तत्व किस प्रकृति के हैं, धात्विक प्रकृति के हैं, और धातु का गुण कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा आयन बनता है, धनायन बनता है, और धनायन का या धनायन की त्रिज्या हमेशा उस परमाणु से कम होती है जिससे यह बना है, तो धनायन की त्रिज्या का मान हमेशा ही क्या होगा, परमाणु त्रिज्या से कम होता है, और धनायन पर आवेश का मान जितना बढ़ता जाएगा त्रिज्या का मान उतना कम होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि धनायन में इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या उतनी रहती है, तो नाभिक में प्रोटोनों की संख्या उतनी रहने पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। जैसे मैं यूँ देखूँ कि आयरन है, आयरन में तीन अवस्थाएं यहाँ पे मैं बना दूँ, इसमें क्या है 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 26 प्रोटॉन और 23 इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए कि नहीं। तो देखिए सिर्फ लौह तत्व की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बल से बांधे हुए हैं, Fe2+ में 26 प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉनों को बांधे हुए हैं, तो देखिए 26 इलेक्ट्रॉनों का 24 इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कम हो गए तो 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं तो ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, जितना ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा परमाणु त्रिज्या उतनी घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या का क्रम अगर इनमें अपन देखें तो क्या देखते हैं, धनायन पर आवेश बढ़ने से परमाणुक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या देख रहे हैं अपन, आयनिक त्रिज्या घटती है, तो परमाणु तो बड़ा होगा ही, जैसे धनायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या छोटी होती है, धनायनों की तुलना करें तो जिस पर धनावेश का मान जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी कम होती है। तो ये है 3D श्रेणी के लिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका देखिएगा, अपन देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की अपन बात करें, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाह्य इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इट इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम। जो गैसियस आइसोलेटेड एटम है उसमें सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब 3D सीरीज के लिए इसको अपन देखें,
3D श्रेणी के लिए अपन ने अभी अभी देखा परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसकी परमाणु त्रिज्या के मान में ज़्यादा कमी नहीं आती है, परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। और आयनन ऊर्जा है वो परमाणु त्रिज्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अपन ने अभी देखा कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या है वो लगभग स्थिर रहती है, मतलब परमाणु त्रिज्या में ज़्यादा कमी नहीं आती है, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग स्थिर रहती है। लेकिन स्थिरता में भी क्या है कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है, क्यों, बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक में परमाणु त्रिज्या तो लगभग स्थिर है, लेकिन नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बढ़ने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा का मान थोड़ा बढ़ता है, लेकिन ये वृद्धि उतनी ज़्यादा नहीं है। 3D श्रेणी के लिए आयनन ऊर्जा का मान होता है 6 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए आयनन ऊर्जा का जो मान है वो परमाणु त्रिज्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है, उस पर भी अपने एक बार चर्चा कर लें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, आयरन तो रह गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बाएं से दाएं गए तो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ता है। अब यहां क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या है, 3d5 4s1, और ये है 3d5 4s2, मैंगनीज की बात कर रहे हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1, और जिंक का है 3d10 4s2। क्लियर, किसी विलगित गैसीय परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन कहते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन कहेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। क्रोमियम की जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है उसका मान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि क्रोमियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, 4s वाला चला गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे तो किस में से निकलेगा, 3d5 में से निकलेगा, और अपन जानते हैं कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होते हैं, और ज़्यादा स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्लियर है चीज़, ठीक है। वैसे ही कॉपर में देखिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान जिंक से ज़्यादा होता है। जिंक से ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि जिंक में देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकला 4s में से, दूसरा भी 4s में से ही निकल रहा है, 3d10 बचा रह गया। कॉपर है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल गया, दूसरा 3d10 में से निकलेगा, और 3d10 एक पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है। तो कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान जिंक से ज़्यादा है, जबकि जिंक की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कॉपर से ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर क्रोमियम और मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्रोमियम से ज़्यादा है, लेकिन क्रोमियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान मैंगनीज से ज़्यादा है। इसे अपन अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व के द्वारा बता सकते हैं। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ और गुण पढ़ेंगे, तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।